पीड़ितों की प्रतिदिन बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देश पर उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली में नगर पालिका क्षेत्र के प्रकाश चौक में जन जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस कप्तान विकास सहवाल ने आम जन से नित्य मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर एसपी ने नगर में मुख्य मार्गों में पैदल चलकर दुकानदारों व ग्राहकों से कहा कि सभी कोरोना काल में जारी नियमों का पालन करें, साथ ही आमजन को भी मास्क का प्रयोग करने की समझाइश साझा करें। इस दौरान कलेक्टर एसपी सहित स्थानीय अधिकारियों ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को निरंतर मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया, साथ में सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष उषा कौल, एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट और एसडीएम नेहा सोनी, तहसीलदार अभिषेक पांडे, नायब तहसीलदार राजेश पारस और सीएमओ आभा त्रिपाठी, नगर निरीक्षक आर के धारिया, बीएमओ डॉक्टर वी के जैन और व्यापारी संघ अध्यक्ष विमल अग्रवाल, समाज सेवी के मिश्रा, नवल पालीवाल और सरजू अग्रवाल, साथ ही में गुड्डू शिवहरे, सुदामा विश्वकर्मा, बहादुर सिंह अब्दुल सलाम रिजवी सहित नगर के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उमरिया जिले में भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज 11 बजे सायरन बजाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम था। कड़ी में उमरिया में भी, उमरिया जिले में विभिन्न जगह कार्यक्रम क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हुआ। मैं और एसपी साहब यहाँ पाली के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और जो मेन मार्केट है वहाँ पर लोगों से आग्रह किया कि मास्क लगाएं और उन्हें निःशुल्क मास्क वितरित किया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बीर सिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।